श्री कृष्ण की कहानी हिंदी में बहुत लंबी है और उसकी कई कथाएं हैं। यहां मैं आपके साथ एक प्रसिद्ध कथा कृष्ण और अर्जुन की बातचीत की कहानी साझा कर रहा हूं। यह कथा महाभारत काल में घटी थी, जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध का समय आ गया था। अर्जुन बहुत विचलित था, क्योंकि उसे अपने चाचा, दादा और भाइयों के खिलाफ युद्ध करना होगा। उसने वाराणसी में भगवान कृष्ण से सलाह लेने का फैसला किया। अर्जुन ने अपने रथ को भगवान कृष्ण के सामने रोका और उनसे कहा, हे भगवान, मैं आपकी सहायता चाहता हूं। मेरे मन में भय की भावना है और मैं युद्ध के लिए तैयार नहीं हूं। मुझे यह समझ नहीं आता कि मैं युद्ध करूं या नहीं करूं। कृपया मेरी समस्या का समाधान कीजिए। भगवान कृष्ण ने उसके प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा, अर्जुन, तू क्यों डर रहा है? तू परमात्मा की आधि रूप है और इस लोक में तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। युद्ध करने का तेरा धर्म है और मैं तुझे सब जानकारी देने के लिए यहां मौजूद हूं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना विश्वरूप दिखाया, जिसमें उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों का दर्शन कराया। अर्जुन ने भगवान के विश्वरूप को देखकर चकित हो गया और उन्हें अपने सभी संदेह दूर हो गए। भगवान कृष्ण ने उसे अपनी दिव्य उपदेशों का भी उदाहरण दिया और उसे समझाया कि कर्मयोग के माध्यम से वह अपने कर्तव्यों का पालन कर सकता है। भगवान ने अर्जुन को समझाया कि वह अपने कर्तव्यों को निष्ठा और निःस्वार्थता के साथ करना चाहिए। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सही मार्गदर्शन दिया और उसे युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। अर्जुन ने अपने भय को परास्त करके महाभारत युद्ध में अपने कर्तव्यों का पालन किया और उसने धर्म की विजय हासिल की। यह कथा भगवान कृष्ण और अर्जुन की बातचीत को दर्शाती है और हम